नमस्कार, फिर पैसा बोलते हैं में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट बहुत बुरी हाल हुई मार्केट की। कल की 200 लगभग 250 पॉइंट के फॉल के बाद आज भी मार्केट नीचे आई, बहुत नीचे आई, 124 पॉइंट नीचे आई। लेकिन उसके पहले 180 190 पॉइंट नीचे थी, बैंक निफ्टी भी नीचे थी, सारे ब्रॉड स्टॉक मार्केट भी प्रेशर में थी। इसमें कोई रिलीफ का कोई गुंजाइश नहीं है। कल अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, ये एक कारण है, ये डेड कैट डोंट्स होगी। गोल्ड मार्केट ये देख रहे हैं, वेट एंड वॉच मोड में इसलिए रह गए हैं क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसराइल रिटेलिएट करेगी। ये सब कॉन्ट्रोवर्सी जब शुरू हुई, जब हमास ने इसराइल को अटैक किया और इसराइल ने रिटेलिएट किया। अभी इसराइल ने पहले मूव किया, एक ईरानियन कॉन्सुलेट को अटैक किया सीरिया में, डमास्कस में। अभी वापस उन्होंने, ईरान ने कुछ बॉम्ब्स डाले, लेकिन क्या इसराइल फिर रिटेलिएट करेगी, यही न्यूज है, यही $100 million क्वेश्चन है। इसके लिए मार्केट वेट कर रही है। तो तीन थिंग्स हुई, मार्केट में गिरावट थी, वर्ल्ड मार्केट में भी गिरावट थी, कच्चा तेल का दाम ऊपर गई तो पेट्रोल क्रूड प्रेशर में थी, रुपया ऑल टाइम लो के ऊपर ओपन हुई, 83.51 में ओपन हुई, और नीचे जाने की चांसेस है। गोल्ड की दाम ऊपर जाती रही, गोल्ड आज 6,870 रुपया में ट्रेड हो रही है चेन्नई में, 22 कैरेट गोल्ड। अगर आप जीएसटी लगाएं तो 7,100 के ऊपर जा रही है और ऊपर जाने की चांसेस हैं। अमेरिका के में बॉन्ड यील्ड्स भी प्रेशर में है, लगभग 4.68 तक चली गई 10 ईयर यील्ड। सो प्रेशर अमेरिका में इसीलिए है क्योंकि मार्च की रिटेल सेल्स जो है वो बहुत उमदा आई। इसके कारण ये साफ हो गई है कि यूएस इकोनॉमी बूम टाइम में है। अभी कुछ इन्फ्लेशन कूलिंग में कोई गुंजाइश नहीं है। सो जून में जो रेट कट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो रेट कट नहीं आने वाली है और वो रेट कट एक्सपेक्टेशंस सितंबर तक पुश हो गई। अगर जून में रेट कट नहीं हुई तो 3 रेट कट आउट ऑफ द विंडो है और इस साल मैक्सिमम 2 रेट कट होंगे। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का ये कॉल है कि रेट कट ही नहीं होगी इस साल और रेट कट एक्सपेक्टेशंस नेक्स्ट ईयर के लिए पुश किया जाएगा। तो चाइनीज रिटेल इन्वेस्टर्स अपने प्रॉपर्टी से पैसा निकाल के प्रॉपर्टी गोल्ड में डाल रहे हैं और ये जो कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स हैं जैसे इंडिया की, चाइना, रशिया, टर्की, ये सब डॉलर बेचकर वापस गोल्ड खरीद रहे हैं। इसीलिए गोल्ड में इतना बड़ी रैली है, जैसे एक स्मॉल कैप स्टॉक की रैली है वही रैली हो रही है गोल्ड में। जो मैंने सुस्तर चैनल में उन्हें बताया, उस चैनल में मैंने 3-4 साल पहले कुछ स्टॉक्स लेने के लिए कंसिडर करने के लिए आपको बोला। उस स्टॉक्स में 100%, 50%, 75% रिटर्न मिला होगा। जो पैसा आपने निवेश किया उसको बाहर उधर बाहर निकाल दें और सिर्फ प्रॉफिट को स्टॉक में रखने दें। जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया उसको लेकर आप इसमें डाल दीजिए, बॉन्ड्स में डालें और उससे ब्याज कमाएं, क्योंकि अगले 6 हफ्ते में मार्केट ऊपर नीचे जाएगी। ग्लोबल टेंशन भी है और इलेक्शंस की अनसर्टेनिटी भी है, लेकिन इलेक्शंस पे जो भी आएगा ये बहुत शॉर्ट टर्म रिजल्ट आएगा, बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होगा। इलेक्शंस के कारण आप डरिए मत, लेकिन अगर आपके प्रॉफिट्स बहुत हैं तो आप एक पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट्स निकाल के बॉन्ड्स में डालने से आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे, सोना और ऊपर जाएगा। इसके कारण जो सोने की अगेंस्ट लोन देते हैं उन कंपनी का रेट्स भी बढ़ेगा। और मणप्पुरम ने यह घोषणा कर दी कि वो एक $500 million की एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करेंगे, वो बॉन्ड्स इश्यू करेंगे, वो ट्रेडेबल बॉन्ड्स होंगे लेकिन डॉलर्स में होंगे और उससे द्वारा पैसा लिया जाएगा। उस पैसा को वो ऑटोमेटिकली इसी बिजनेस में डालेंगे और गेयरिंग में ये हेल्प होगा और डिपॉजिट्स लेने के लिए।
यही हाल मुथूट फाइनेंस का भी होगा, आप मुथूट फाइनेंस को भी कंसिडर कर सकते हैं। और जो छोटे छोटे बैंक हैं जो बुक वैल्यू के आसपास हैं उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। यूएस इंडियन फार्मा इंडस्ट्री में एक बड़ा डेवलपमेंट है कि पहले 11 मंथ में फार्मा एक्सपोर्ट्स अमेरिका को सर्ज हुआ और लगभग 15% की इजाफा हुआ। इसी कारण हमने इस साल इसको एंटिसिपेट करते हुए फार्मा में बड़ा पोजीशन लिया था। सिप्ला, डिवीज लैब, नाटको फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, ये सब को हमने अनेक समय में कंसिडर किया और हमने खूब लाभ देखा। अभी और भी लाभ देखने को मिलेगा, लेकिन वैसे ही आईटी इंडस्ट्री में बहुत प्रेशर है और जो रिजल्ट्स टीसीएस में आए उसको देख नतीजे को देखते और जो शिफ्ट हुआ है विप्रो में उसको भी नजर में रखते हुए हमको आईटी में लीड करना पड़ेगा। आज आईटी इंडेक्स में शुरू में सुबह में 3% करेक्शन हुई थी और करेक्शन होने की चांसेस हैं। इस हफ्ते रिजल्ट्स आईटी की और आई आईटी कंपनीज इंफोसिस एचसीएल विप्रो के आएंगे, उसको देखते हुए हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। विप्रो का रिजल्ट तो खराब होगा, इसीलिए उन्होंने अपना सीईओ को इस्तीफा करने के लिए बोल दिया है। तो साफ है कि आईटी वेट एंड वॉच, फार्मा अभी ना को फार्मा कंसिडर कर सकते हैं और अदर्स वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अगर आपके 1000 के आसपास आपका पैसा हो तो आप डॉक्टर रेड्डी को भी कंसिडर कर सकते हो। यही न्यूज है इंडियन फार्म कंपनीज में। कल मैंने बोला कि ग्लोबल चिप डेवलपमेंट में बहुत बड़ा न्यूज होगा। इंटेल ने यह बोला है कि उनकी फाउंड्री डिवीजन में वो मोर देन 50% ऑफ ग्लोबल चिप सप्लाई को कॉर्नर करना चाहती है। दूसरी बात यह है कि टीएसएमसी ने अनाउंस किया है कि उनके पास कैपेबिलिटी है कि वो 2 नैनोमीटर के कम में चिप्स बनाने की रेड प्रोसेस रेडी कर चुके हैं और उसमें उनका टेक्नोलॉजी रेडी है। तो ये और माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया आईटी कंपनी में लगभग $1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। तो ये न्यूज है इंटरनेशनल मार्केट में। जापानीज येन ने कल एक नया लो बनाया, लगभग 155 डॉलर के आसपास हो गया है। तो ये येन वीकन हो रहा है, डॉलर की स्ट्रेंथ आ रही है और इसके कारण में क्या होगा कि जापानीज कंपनीज का एक्सपोर्ट्स मोर प्रॉफिटेबल होगा और वो एक्सपोर्ट करेंगे ग्लोबली और उसके कारण उनका कंपनीज का प्रॉफिट्स भी बढ़ेगा। तो हमको जापानीज स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। हर करेक्शन में आप कुछ जापानीज स्टॉक्स लेने की संकल्प करें, कोशिश करें। अगर आपको चाहिए कि और जापानीज स्टॉक्स के बारे में ज्ञान चाहिए तो आप नीचे दिए हुए ईमेल में आप मेल भेज सकते हैं, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा। तो यही न्यूज है आज की। और मनप्पुरम के बारे में मैंने आपको बोल ही दिया कि वो $500 मिलियन दे रहे हैं। सिप्ला की एक सब्सिडरी सिप्ला हेल्थ ने एक नया संयंत्र किया है यूपी सेगमेंट में एंटर करने की, इसमें कुछ करेक्शंस है, इसमें कुछ करेक्शंस है सन फार्मा में, क्योंकि उनको यूएस एफडीए से कुछ नोटिस मिला है। उस नोटिस से कुछ नहीं हुआ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, लेकिन शॉर्ट टर्म में प्राइस गिरावट तो होना ही है। तो ट्रेंड इस हफ्ते में बेरिश है, कल अगर हो सके तो कुछ बाउंस होगी क्योंकि 2 डेज में वो बहुत बड़ा करप्शन हुआ, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो बेरिश है और गोल्ड बुलिश। यही आज के लिए इतना ही। अपने इस पॉडकास्ट को सुना इसके लिए मैं आपका आभारी। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।